انك ايها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعه الدين وسلوك المحجه الا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد तो पिछले दुरुस में हमने जो दो दुरुस हुए हैं उनमें हमने ये पढ़ा कि फ़राइज का माना क्या होता है और वरासत के मुतालिक या तरीक़ा के मुतालिक हुकूक हमने पढ़े इसी तरह से शुरूत, और असबाब पढ़े तो आज हमारा नया मौजू है वह है अलवारसून मीनिजालवारिस मीनसा कि अब मर्दों में से औरतों और में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वरासत पाते हैं जिनको वरासत में हिस्सा मिलता है तो आज का हमारा यही मौजू है कि मर्दों में कौन वारिस है और औरतों में कौन वारिस है तो अलवारिस अलवारसून मिनर रिजाल ठीक है अलवारसून मिनर रिजाल النساء. वारस मिन النساء. कि मर्दों में कौन कौन से वारिस हैं कौन कौन से लोग मर्दों में ऐसे हैं जो वारासत पाएंगे और औरतों में कौन कौन से औरतें हैं तो वही हम लिखते हैं तफसील के साथ तो मर्दों में जो हमारे पास वारिसीन है वो दस वो पंद्रह हैं जिनको वारासत मिलती है अमूमी तौर तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास तो ये जो वारिसन है इनकी यानी या अपनी अपनी जिहत है जैसे कि एक जिहत उसूल की है उसूल यानी जो मैत से मैत जिनसे आया हो और फ्रू से मुराद जो मैत से आए हो हवाशी से मुराद जो जिनसे मैत आया हो उन्हीं से उन्हीं से वो भी आए हो तो वो हाँ मैं आपको आगे समझाऊंगा लेकिन पहले हम ये लिखते हैं कि मर्दों में से कौन कौन से वारिस होंगे सबसे पहले हमारे पास है अल इिबन अल इबन पहला वारिस मर्दों में है इब्न यानी बेटा उसके बाद दूसरा वारिस है हमारे पास इब्नुल इब्न दूसरा वारिस है इब्नुल इब्न यानी बेटे का बेटा इनमें लेकिन एक कायदा है वो हम आगे समझाऊंगा मैं आपको यानी इब्नुल इब्न व इन नजल व इन नजल इतना रखो यार उसके बाद तीसरा वारिस है हमें आ, मर्दों में से वह है अल अब फिलहाल इसी लाइन में औरतों में आते हैं कि औरतों में कौन वारिस है यहां से इबन है और औरतों में है अलबिंत ठीक है और बिंतुल इबन बिंत यानी मैत की बेटी जो हम ये पढ़ रहे हैं वरासत में इबन अख वगैरह यानी भाई बेटा बाप वो किसके बारे में वो मैत के यानी मयत का भाई है और ये मैत का बेटा है ये मैत की बे, ये बेटी है ये मैत का पोता है और ये उसकी पोती है तो यहाँ पर इबन तो वगैरह से मुराद होते हैं मैत का इबन बिन। तो यहाँ पर उसूल में आते हैं उसूल में मर्दों में हमारे पास वारिस है आप, और चौथा हमारे पास अबुल अब ठीक है और औरतों में उसूल में कौन कौन है हमारे पास है उम और उम उम इन में एक और ज्यादा उसूल में वह है अब उम उमुल अब यानी ये तीसरा है ये चौथा और ये पांचवा। इसके बाद अबुल अब के बाद आते हैं हमारे पास हवाशी हवाशी में से कौन है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास अख शकीक से क्या मुराद है वो मैं आपको इनशाला मिसाल से समझाऊंगा आक शकीक से मुराद है कि यानी सगा भाई आक शकीक से मुराद है सगा भाई और छठा वारिस हमारे पास आखली अब या आखल अब यानी जो भाई हो लेकिन बाप की तरफ से बाप एक ही हो और माँ अलग अलग हो सातवा हमारे पास आखल उम यानी आ, बाप अखली उम यानी माँ की तरफ से जो भाई हो माँ एक ही हो और बाप अलग अलग हो आठवा वारिस है हमारे पास इसका बेटा इबन आख अशीक ठीक है और नौवा है इबन आखली अब उसके बाद अम अशीक सगा चाचा फिर अमल अब बाप की तरफ से चाचा और इबन अम अशीक अम अमले अब यहाँ पर एक वारिस छूट गए हमें इबन अख लि अब ये तो ठीक है ठीक है ये और आ... इब्न अम शकीक इबन अमल अब अजूज यानी शोहर और आखिरी हमारे पास अलमा तो वारिसीन मिन रिजाल यही पंद्रह हमारे पास जिनको वरासत मिलती है इबन यानी बेटा इबन अबन यानी बेटे का बेटा अलअब यानी मैत का बाप और अबुल अब यानी मैत का दादा अक्शीक यानी मैत का सगा भाई अखलियाब यानी मैय का भाई लेकिन बाप की तरफ से अखिल उम का भाई लेकिन माँ की तरफ से और इब्न अखशकीक यानी यानि भाई का बेटा सगे भाई का बेटा इब्न आख बाप की तरफ से जो भाई है उसका बेटा अम शकीक यानी सगा चाचा अमलियाब बाप की तरफ से जो चाचा है और अम आ, कहा गया आम अशकीक और अमली अब यानी जो बाप की तरफ से चाचा है और इब्न शकीक यानी सगे चाचे का बेटा इब्न अब अमले अब का बेटा यानी शोहर और अल्मोतिक यानी जिसने आजाद किया हो तो मर्दों में हमारे पास यही वारिसिन है इसके बाद औरतों में उम उमली अब उम 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 सबसे पहले अलबित यानी मईद की बेटी बिन इबन मईद की पोती यानी मईत के बेटे की बेटी अल उम मईत की माँ उम उल की नानी उम्मुल अब मईत की दादी उसके बाद हवाशी में कौन आते हमें वारिसत मीन निशा में से छठा हमारे छट्टिया हमारे पास उख्त अल उख्त अशीका यानी सगी बहन सातवीं ख्त ले अब आठवीं अलुख्त लेम और नौ नवी है हमारे पास अजा और दसवीं अलमोति ठीक है तो औरतों में हमारे पास दसवें वारिसात है और मर्दों में पंद्रह वारिसन है औरतों में कौन कौन आए बिन ताई बिन इबन यानी बेटी बे बेटे की बेटी उम यानी माँ मैयत की माँ मैयत की नानी मैयत की दादी मैयत की सगी बहन शकीका से मुराद या शकीक से मुराद सगा भाई या सगी बहन अख्तलीब यानी मैयत की बहन लेकिन बाप की तरफ से अख्तली उम मत की बहन माँ की तरफ से अजौजा यानी अगर वफात जौज की हुई है तो उसकी बीवी और दसवीं है आखिरी अल्मिका जैसे यहाँ पर अल्मिक था आज़ाद करने वाला और यहाँ पर है अल्मिका यानी आज़ाद करने वाली तो टोटल हमारे पास वारिसिन यही हैं इनके अलावा अगर कोई वारिस होता है तो वो वारिसिन असाब तहसीब भी नहीं है असाबुल फर्ज भी नहीं है फिर वो यानी अगर इनके अलावा कोई वारिस होता है तो वो उस वक्त होगा जब इनमें से कोई नहीं पाया जाता हो तो ऐसा नहीं होता कि मैं जब किसी की वफात हो जाए तो उन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं हो जब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा फिर देखेंगे कि किसको यानी आराम को वरासत दी जाएगी वो हम बाद में पढ़ेंगे तो फिलहाल आपको ये याद रखना है ये चीज आपको अच्छे से जहन में बिठानी है कि मर्दों में कौन कौन से वारिस है और कौन कौन से वारिसात हैं ताकि जब हम वरासत तकसीम करेंगे तो ये सभी हमारे जहन में होने चाहिए क्योंकि हम बेटी को बेटे का हिस्सा इस हिसाब से देंगे यानी और कौन कौन से वारिस हमारे पास जिंदा है तो आज का जो ये मौजू है ये अहम है ये असल है वरासत की यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से वारिसिन है जिनको वरासत मिलेगी मर्दों में कौन कौन है औरतों में कौन कौन है कौन कौन है तो ये याद करना मुश्किल नहीं है आप इनको यानी इनका उर्दू में भी अच्छी तरह से माना समझ लो कि इबन से क्या मुरादा है इबनुल इबिन से क्या मुरादा अब से क्या मुरादा है तो इसको आप अच्छी तरह से कॉपी पर लिखो कि मर्दों में कौन कौन से वारिसन है औरतों और में कौन कौन से वारिसात हैं अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ सकती यानी इबन तो पता है कि मैयत का बेटा है इबन इब्न इबन का पोता है अब मैयत का बाप अबुल अब मैयत का दादा लेकिन ये जो अक्षकी के अखिल अब अखिल उम है इसको मैं आपको इंशाल्लाह मिसाल से समझाऊंगा इससे क्या मुरादा है तो फिर इसी से आपको ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा तो यहां से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मर्दों में कौन कौन से वारिसन है औरतों और में कौन कौन सी वारिस था तो मेरी गुजारिश यह है कि आप इन सब को अच्छी तरह से कॉपी पर लिख लो ताकि आपको याद रहे तो अक्ष की और आखली आपसे क्या मुर, क्या मुराद है वो मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा मिसाल के तौर पर एक शख्स की वफात होती है अलमयत ठीक है हमारे पास एक मैत है इसकी वफात हो गई तो इन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा इन्होंने अब एक बाप छोड़ा है उसका नाम रख लेते हैं नाम के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा इसहाक ठीक है इसी तरह से इनकी बीवी है जो इनकी माँ है रुकैया मुझे लगता है ये मिटाएंगे ताकि हम इसको अच्छे से लिखे यहाँ पर तो अभी हमने ये देखा कि वारिसिन मिन रिजाल की मर्दों में कौन कौन से वारिसिन है और औरतों में कौन कौन सी वारिसात हैं तो मर्दों में हमारे पास दस वारिसिन है और औरतों में हमारे पास मर्दों में पंद्रह है और औरतों में दस थी जो हमने यहाँ पर लिखा तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखना और अब इबन अक्षकीक वगैरह से क्या मुरादा है वो भी याद रखना तो मैं आपको यहाँ से मिसाल से थोड़ा सा समझाऊंगा कि अक्षकीक अखिल अब अखिल उम वगैरह से क्या मुरादा है ताकि आपको ये ना भूले तो मिसाल के तौर पर एक शख्स की वफात हो गई एक शख्स की वफात हो गई अहमद उनका नाम है ठीक है अहमद की वफात हो गई तो हमने इनके वारिस इन जो पड़े मर्दों में वो हम यहाँ पर मिसाल से समझाऊंगा मैं तो अहमद ने अपने पीछे कौन छोड़ा एक बाप छोड़ा ठीक है अहमद ने बाप छोड़ा पीछे खालिद और इनकी माँ है जैनब ठीक है इसी तरह से इसी तरह से खालिद का एक और बेटा भी है यानी भैने जो अपने पीछे छोड़ा है भाई है हा? हामिद ठीक है इसी तरह से मैत है जो इन्होंने अपने पीछे बेटा और बेटी भी छोड़ी है बेटा जैद, जैद। और बेटी फातिमा ठीक है तो हमें यहां तक समझ में आया कि जो हमने लिखा था इबन इबन से मुराद यही यानी मैत का बेटा बिन बिन से मुराद मैत की बेटी इस तरह से अब जो हमने वहां पर लिखा अब से मुराद मैयत का बाप और उम से मुराद मयत की माँ अक्ष से आख शकीक से मुराद क्या है अक्षशीक या, आ, या शकीक को हम अल अलाक मीन भी कह सकते हैं यानी भाई कौन सा भाई जो आ, बाप की तरफ से भी हो और माँ माँ की तरफ से भी हो यानी सगा भाई जिन जिसके जिसका यानी सगा भाई से मुराद यानी वो भाई जिसके माँ बाप भी वही हूँ जो मैयत के हूँ तो हामिद इनका अक्षशीक है अक्षशीक यानी सगा भाई है हमने वहां पर यह भी पढ़ा अक्षकी अक्ष से क्या मुराद है अक्ष से मुराद दिया है कि बाप की तरफ से भाई बाप की तरफ से भाई कैसे हो सकता है मिसाल के तौर पर जो खालिद है इन्होंने एक और शादी की थी खालिद की एक और बीवी थी उनका नाम अक्सा ठीक है खालिद की एक और बीवी थी अक्सा इन्होंने उससे भी शादी की तो इनका एक बेटा है खालिद और अक्सा का इनका एक बेटा है आ, राशिद ठीक है खालिद और अक्सा का एक बेटा है राशिद तो ये जो राशिद है ये अहमद के लिए अख है भाई है लेकिन कौन सा भाई है अक शकी नहीं है सगा भाई नहीं है भाई है लेकिन अल मिन मिनल अब है भाई है लेकिन अख अब है यानी बाप की तरफ से भाई है बाप की तरफ से क्यों है क्योंकि अहमद का बेटा भी अहमद का बाप भी खालिद है और राशिद का बाप भी खालिद है इनकी मां अलग अलग है इनकी माँ जैनब है और इनकी माँ अक्सर है तो यही मुरादाब से अखली उम्र से क्या मुराद है अखिल उम्र से मुराद यह है कि मिसाल के तौर पर यह जो जैनब अहमद की माँ है जैनब ने एक और शादी की थी यानी पहले ही इन्होंने एक शादी की थी फिर वहां से एक खालिद के पास आई थी तो जैनब ने एक आदमी से शादी की थी उनका नाम था अः उनका नाम था, था। मूसा ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूं ये सच नहीं है तो ये इनका नाम मूसा था तो इनका भी एक बेटा था इनका यानी मूसा का और जैनब का आबिद तो आप देख लीजिए ये जो अहमद है इनके लिए आबिद जो है ये भाई है लेकिन कौन सा भाई है ये माँ की तरफ से यानी आबिद अहमद का अख लिउम है भाई है लेकिन माँ की तरफ से कैसे क्योंकि अहमद की माँ भी जैनब है आदिल की माँ भी जैनब है लेकिन बाप इनका अलग अलग है अहमद का बाप खालिद है और आबिद का बाप मूसा है तो अब क्या समझ में आया यानी ये जो अहमद है ये इनका, इनका अब है अहमद का ये अक शकी यानी सगा भाई है क्योंकि अहमद के जो माँ बाप है वो हामिद के भी माँ बाप है इसलिए इनका सगा भाई है तो ये जो राशिद है ये अहमद का अखली अब है यानी भाई या बाप की तरफ से क्यों क्योंकि अहमद का बाप और राशिद का बाप एक ही है लेकिन माँ अलग अलग है इसी तरह से आबिद लेकिन माँ की तरफ से क्योंकि अहमद की माँ भी और तो तो ऐसा मसला नहीं है कि समझ में नहीं आएगा अखली उम जब हम कहते हैं माँ की तरफ से भाई तो समझ में आ जाता है कि ये माँ का कोई है बाप का नहीं है इसी तरह से जब हम अखिल की बात करते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये बाप की आ, के साथ कोई ताल्लुक है माँ के साथ कोई नहीं क्योंकि इसको खास कर दिया गया अब तो अख शकीक ये आप याद रखना शकीक से मुरादा सगा भाई तो इसी तरह से जब आपको उख शकीक समझना होगा तो तब आपको यहां पर इसकी जगह लड़की का नाम लिखना इसकी जगह भी लड़की का इसकी जगह भाई लड़की का तो ये फिर हमारे लिए उख शकीका बन जाएगी ये उख्त लि आब बन जाएगी और ये उक्त लिउ बन जाएगी ठीक है तो आम शकीक क्या आम शकीक भी ऐसा है मिसाल के तौर पर ये जो अहमद है इनका बेटा कौन था जैद था इसी तरह से ये जो इनका भाई था अखल इनका भी एक बेटा था ठीक है इनका भी एक बेटा था हामिद का और इनका भी एक बेटा था ठीक है तो अहमद के लिए ये जो अहमद के लिए हामिद का बेटा क्या है ये इबन है लेकिन इबन अख का है यानी सगे भाई का बेटा तो अहमद के लिए ये वाला बेटा क्या है ये अहमद के लिए इबन है इबन अख है इबन अख लिब है के लिए तो इसी को उल्टा देख लीजिए ये जो जैद है जैद का बाप कौन है अहमद है तो जैद का सगा चाचा यानी अम कौन हो गया जैद का सगा चाचा है हामिद ठीक है जैद का अम लिया कौन है जैद का अम लिया है कौन जैद के लिए अम लिया यानी सगा बाप की तरफ से जो चाचा है वो कौन है वो राशिद है क्योंकि ये इनका अखलियाब है ठीक है तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अख शकीक और अखिल अब और अखिल उम उख या उखलेआब वगैरह से क्या मुराद है तो इसे फिर से आप याद रखो अख से मुराद सगा भाई अखिल अब से मुराद बाप की तरफ से भाई और अखिल उम से मुराद माँ की तरफ से भाई ठीक है इसी तरह से वारिस मीन उनमें भी बराबर उसी तरह से है यानि उख उख शकीका यानी सगी बहन अख्तली आब यानी बाप की तरफ से बहन और अख्तलीम माँ की तरफ से बहन तो आपको आज के दरस का जो अहम चीज़ है वो आपको याद रखनी वो है वारसिन मीना रिजाल और वारिसत मीना नसा यानी मर्दों में कौन कौन से वार वरसा है औरतों में कौन कौन से वारिसत है तो इसी के साथ ही हमारे पास कुछ अहम कायदे हैं इसमें वो ये कि जो आपको याद रखने हैं कि हमने जो वारसिन पढ़े मर्दों में औरतों में तो इनकी जहतें हैं यानी एक जहत तो यह है कि अलूल इनकी जहत क्या अलसूल और दूसरी है अलफुरू ठीक है और तीसरी है अलहवाशी ठीक है एक और है मिसाल तौर तो पर चौथी जहत जव की और पांचवी जहत है अलवाला की तो ये वारिसिन की जहते हैं यानी जो जित जो हमने वारिसिन पढ़े उन्हीं जहतों का यह नाम है उसूल से मुराद कौन था उसूल से मुराद था जैसे अलमयत तो मयत का जो बाप है या इनका दादा है ठीक है इनकी माँ है या इनकी दादी है तो उसूल से मुराद हो गए वो वारसिन से मैत आया हो यानी जो मैत के असल हो मैत के असल कौन है उनके माँ बाप उनका दादा दादी यानी मैत इनसे जिनसे आया हो उन्हीं को उसूल कहा जाता है ठीक है उसूल से मुराद है वो वारसिन जो मैत जिनसे आया हो जैसे कि वो हमने पढ़ा अब उनमें आता है अब उल अब आता है जद आता है यानी जद इसी तरह से उम आती है उम उल आती है ठीक है तो फ्रूज से क्या मुराद है फ्रूज से मुराद है जो मैत से निकले यानी जो मैत से निकले मिसाल के तौर तो पर हमने पढ़ा इबन हमने पढ़ी बिंद हमने पढ़ा इबन इबन तो फ्रूज से मुराद है वो वरासा जो मैत से निकले हों और उसूल से मुराद है जिनसे मैत निकला हो और तीसरी जो जिहत है हवाशी हवाशी से मुराद क्या है हवाशी से मुराद यानी दाए बाएं के लोग वो कौन है वो यानी वो वारसा जो मैत के उसूल से आए हूं मैत के उसूल कौन है अब है उम है जदा है तो हवाशी कौन हो गया हवाशी भी वो है जो मैत के ही उसूल से आए हूं यानी कि ये जो इनका अब था इनका एक बेटा था ठीक है तो ये इनका भाई बन गया तो ये हवाशी में आता है इसी तरह से अम इसी तरह से उख शकी उख शकी का अख्तलिया वगैरह तो उसूल से मुराद मैत के बाप दादा फ्रू से मुराद मैद की औलाद हवाशी से मुराद मैत के भाई मैद की बहनें और मैद का चाचा वगैरह जवजैन से मुराद इसमें तो दो ही लोग आते हैं या तो जव जाएगा शोर या तो जवजा बीवी तो अलवला से मुराद इसमें दो ही आते या तो मोतिक होगा या मोतिका होगी तो ये हमारे पास वारिसिन थे यानी आप इस तरह से भी इनको नाम दे सकते हैं जो बाप वगैरह है बाप दादा माँ उनको उसूल कहो जो बेटे की लिस्ट में आते हैं उनको फुरू कहो जो आख आम की लिस्ट में आते हैं उनको हवाशी को हो जवुज या जवजा को जवजैन को हो और जो मतिका मोतिका है उनको असाबलवा को कहो ठीक है तो इसी ऊसूल और फुरू के एक दो कायदे हैं वो मैं आपको जिक्र करूँ तो इसी पे हम आज का दरस ख़त्म करते हैं वो ये है कि हमने पढ़ा जो हमें उमूमी तौर तो एक कायदा याद रखना चाहिए जो मैत के ऊसूल होते हैं वो सभी वारिस होते हैं मयत के हर एक उसूल जो है मईत के उसूल में से जो भी वारिस आता है वो मईत का जो भी मर्द आता है वो मैत का वारिस है लेकिन कायदा यह है कायदा इस तरह से है उसूल में कुल्लू वैटरिन लु वल मयत कायदा क्या है उसूल का कुल्लु ज़करिन लैस बैनहु व बैनल मैयत उन्था यानी उसूल में से सभी वारिसिन होंगे उसूल में से सभी वारिसिन होंगे यानी मयित है तो इसके उसूल अब अबुल अब ठीक है इस तरह से अब अब अलब तो ये सब वारिसिन होंगे सिवाय वो वारिस कुल्लु ज़करिन लैस बैनहु व बैनल मैयत उन्था अगर बीच में इनको कोई उनसा आ गई फिर उसके बाद का जो आप है वो वारिस नहीं होगा मिसाल के तौर तो पर यहां पर उम आ गई फिर उसके बाद फिर आप आया तो अब यह वारिस नहीं होगा क्योंकि इनके दरमियान मैयत और इनके दरमियान एक आ गई औरत इसके वजह से वारिस नहीं होता है तो यहां पर यह जो मैं आपको कह रहा हूं मैय के ये सभी वारिस होते हैं उसूल में से आप अबोलाब ये कब वारिस होंगे जब हमारे पास ये नहीं होगा जब ये नहीं होगा तो ये वारिस होगा अगर ये नहीं होगा तो ये वारिस होगा वरना इसके होते हुए ये वारिस नहीं है जब हमारे पास अब मौजूद है तभी हम ये वारिस होंगे अगर अब नहीं है तो उस वक़्त ये वारिस नहीं होंगे इसी तरह से हमारे पास कुछ और कायदे भी है तो इस मसले में यानी फ्रू में हवाशी में कुछ मुस्तना कवायद हैं तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नए दरस में, में पढ़ाऊंगा अभी आपको ये भारी पड़ जाएगा कि हमने ये जो उस पढ़े फ्रू पढ़े हवाशी पढ़े आप इन्हीं को अच्छी तरह से याद रखो कि मैं फिर से खुलासा करता हूं जो वारिसिन है हमारे पास वारिसिन मिन मिनिजाल मर्दों में हमारे पास पंद्रह वारिसिन है जिनको वरासत मिलती है जो असाबा या असाबुलफरज है इसी तरह से औरतों में हमारे पास दस वारिस है जिनको वरासत मिलती है तो, तो मर्दों में कौन कौन से वारिस है सबसे पहले हमारे पास इब्न है उसके बाद इबन इब्न है उसके बाद हमारे पास अब है उसके बाद अबुल अब है इबन इब्न इबन, इबन, इबन अब अबुल अब इसी तरह से हमारे पास है अखशीक है अखलियाब है अखिल उम है और उसके बाद हमारे पास अम शकीक अब और इब्न इबन अक इबन अब इब्न इबन अखलियाब इबन आम शकीक इबन अमलब अलमोतिक मर्दों में हमारे पास वारिस है और तो में कौन कौन से हमारे पास वारिस थी हमारे पास आ, अल उम यानी सबसे पहले अल अलबिंत उसके बाद बिनतुल इबन उसके बाद अल उम उसके बाद उमुल उम उसके बाद उमुल अब और उसके बाद उख शकी का उसके बाद अख्तलियाब उसके बाद अख्तलम और उसके बाद अजवजा और अलमोती का तो जो हमने पढ़े वारिसीन मीन रिजाल पंद्रह वो आप याद रखो इसी तरह से वारिसात वारिसत निसा दस वो भी याद रखो तो नए दरस में हम ये पढ़ेंगे जो कुछ कवायद हैं अलग से इनके लिए वो पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम वरसा की किस्में पढ़ेंगे यानी असाबुल असाबल फरोज असाबासीब इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और अमल करने की तोफीक दे अकोल को लिहाजा अस्तक